आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर जिले के थाना मैरोनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाली रोड पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक पुलिया से टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने सुबह थाना मैरोनी पुलिस को दी। थाना मैरोनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्ती कर शव को अपने कब्जे में लेते मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेजा। ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत नीलकंठेश्वर धाम स्थित शनि मंदिर दर्शन करने गए युवक की बाइक हुई चोरी। अगले दिन घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर शराब की कलारी के पास चोरी की गई बाइक जली हुई अवस्था मिली, जिसको लेकर पीड़ित युवक ने रंजिशन अज्ञात लोगों पर लगाए बाइक चोरी कर उसे जलाने का आरोप, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाना पाली में की है। ललितपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में वरपतियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत के थाना मंडावरा पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित एक वरपती को किया गिरफ्तार और उसे न्यायालय में पेश किया। नवा आगंतुक पुलिस अधीक्षक मुश्ताक अहमद ने जिला न्यायालय परिसर का सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। ललितपुर शहर के कंपनी बाग स्थित नगर पालिका द्वारा संचालित राजश्री पुरुषोत्तम टंडन पुस्तकालय में भारी अव्यवस्थाओं के चलते यहां के लोगों में काफी आक्रोश, जिसके चलते यहां के स्थानीय लोगों ने नगर पालिका ईओ खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को पुस्तकालय में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं अपर जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद के सभी विद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्पदंश सुरक्षा सप्ताह अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तालबेट के स्टाफ द्वारा आम जनमानस के बीच चौपाल लगाकर लोगों को सर्पदंश से बचाव हेतु सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ललितपुर जिले के तालबेट कस्बा स्थित लंगरा देवी मंदिर प्रांगण में पार्थिव महाशिवलिंग के अंतिम दिन गहोई समाज द्वारा शिवलिंग विसर्जन महाशोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन भक्तों ने जयकारे लगाए और प्रतिमाओं को मानसरोवर तालाब पर विधि विधान के साथ विसर्जन किया। ललितपुर जिले के नवागंतुक पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना एवं चौकी सर्किलों के प्रभारियों द्वारा क्षेत्र के प्रमुख चिन्हित स्थानों एवं बाजारों में पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई एवं दो पहिया और चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई।